शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गौरव, मैं मुझे लगता टीचर पूरी रात सोई नहीं। उनके कमरे की लाइट सुबह तक ऑन थी, उसके बाद वो मेरे कमरे में आई और बोली, क्या कहीं मिलके बात करें। अरे मैं जानता था वो जरूर हाँ कहेगी यार, मैं रात भर भगवान से यही मांगता रहा कि क्या बात है। मैं अभी के मेरे बापू को जाके बताता। गौरव, क्या मेरी तरफ से एक और बात बताना, कहना कि उनके बेटे के दिल में अपने बापू के लिए बहुत सारा प्यार है और पूछना कि उस प्यार का बड़े केक का एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिल सकता है क्या, क्योंकि उनका ये बेटा मुझे सचमुच पसंद है। कहाँ गया था तू? हमेशा तो बता के जाता है। मैंने मॉल पे भी फोन किया था, वहां भी नहीं है, मोबाइल घर पे पड़ा है और मैं तेरे साथ बात कर। मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना। चल चल चल, पहले जो हड्डी तोड़ के नाश्ता बना ना वो मुंह में ठूस लो, बाद में नौटंकी नाचना। चल, क्या बेवकूफी लिखी है आपने बापू, हवा पे प्यार का संदेश लिखा है। अरे ऐसी बेकी बेकी शायरी लिखने वाले तो हवा में लटके रहते हैं पंखे जैसे। हाँ, कोई असली हलचल मचानी हो तो गौरव का वहां होना बहुत जरूरी है। क्या हलचल? सरकार नाटक के अंत में पर्दे गिरने से बस कुछ ही देर पहले नायक जानू और नायिका अनु का मिलन होने वाला है। सुन, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, समझा? मालूम है, ये बुड्ढे बुड्ढियों का मेल है जो बच्चों को कराना है। पहले बड़े फैसला करते थे और बच्चों को मानना पड़ता था, लेकिन दुनिया बदल चुकी है प्यारे, अब बच्चे तय करेंगे और बड़े मानेंगे। तू पगला गया लगता है। हाँ, क्योंकि शिखा ने बताया, एक टीचर ने हाँ कह दी। बापू, शिखा ने यह भी कहा। बापू, बताऊं आपको? हाँ, उसने ये भी कहा कि मेरे दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। मतलब ऐसा उसने कहा, और फिर उसने पूछा कि प्यार का एक छोटा सा हिस्सा उसे भी मिल सकता है क्या। क्या मैं सच? छोटा हिस्सा नहीं, पूरा दिल दे दे। मिस्टर गौरव राणे, करेक्ट? यस, आई एम निर्मल कपूर। कम इन, कम इन। हाय, बैठो ना।
सो आई गेस तुम समझ ही गए होगे आई एम शिखाज डैड। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए टोक्यो जा रहा हूँ। यहाँ आने से पहले शिखा से फोन पे बात हुई तो कहने लगी आप पहले यहाँ आ जाइए, बहुत जरूरी काम है। मैंने बहुत पूछा कि क्या काम है लेकिन कुछ नहीं बोली। Until I came here, I was totally in the dark. अब समझ में आया कि वो जरूरी काम तुम थे। Well, frankly, I'm impressed. Educated हो, successful businessman, अच्छा खानदान, और तुम्हें देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। You're a handsome devil. भाई अब और क्या तारीफ के पुल बांधूं? अपनी बेटी से ना करने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। थैंक यू डैडी। ओके ओके, बस देखो तुम्हारे इंतजार में मैं सुबह का नाश्ता करना ही भूल गया। चलो कुछ खाते हैं। चलो, चलो? तुम यहीं रुको, हम दोनों नाश्ता करने के बहाने एक दूसरे को जरा जान लें। कम ओके। लगभग 20 साल हो गए मुझे अमेरिका में रहते हुए, लेकिन दिलो दिमाग से आई एम स्टिल असली पक्का पंजाबी। अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी मुझे हमेशा बड़ी प्यारी रही है। बैठो बैठो। वहां के तौर तरीके, रहन सहन, नजरिए मुझे जरा भी रास नहीं आए। पहले बच्चे पैदा करते हैं फिर शादी करते हैं। जिनके बच्चों के भी बच्चे हैं ऐसे बुढ़ियल दादा दादी अपने पूरे खानदान के साथ शादी मनाते हैं। You know, घिन आती है मुझे ऐसी। Excuse me, sir. You're getting my point. What will you have? क्या लोगे? नहीं, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है। Okay. Single egg over easy bacon on the side. Coffee. चलो? नहीं, thank you. पानी काफी है। Room temperature. Okay, sir. So, what was I saying? हाँ, संस्कृति और अपने पुराने विचारों के बारे में। अब मैं जैसा हूँ वैसा ही। तो तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में कैसे भेज सकता हूं जहां उसका ससुर खुद हनीमून मनाने जा रहा हो। आई हियर योर फादर इज गेटिंग मैरिड। वैसे तुम चाहो तो अपने बापू की शादी करा सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर ये उम्मीद छोड़ दो कि शिखा पढ़ाई के बाद तुम्हारे पास वापस आएगी, मुझे उसे मना करना पड़ेगा, ये मेरी मर्जी है। और प्लीज ये बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा है, शिखा को भनक नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें एक बाप की खुदगर्जी की इज्जत रखनी पड़ेगी। वजह साफ है, अगर शिखा को पता चल गया तो हो सकता है वो मेरे साथ जाने से इनकार कर दे, फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और मुझे तुम्हारे बापू से बात करनी पड़ेगी, मुझे अनुराधा से भी बात करनी पड़ेगी। पर मुझे नहीं लगता कि शिखा की शादी तोड़कर अनुराधा अपनी शादी के बारे में सोच भी सकती है। तुम्हें क्या लगता है? इन गंदे पानी के चह बच्चों के पास हम भटके ही क्यों? सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, फैसला तुम्हें करना है। किसकी खुशी ज्यादा प्यारी है तुम्हें, अपनी या अपने बापू की? भाई मेरे पास तो सिर्फ मेरी प्यारी इकलौती बेटी है एंड आई वांट द बेस्ट फॉर हर। डैडी, सिन्हा अंकल सिंगापुर से। थैंक यू बेटा। हेलो सिन्हा, हेलो हेलो। क्या गुटरगुल चल रही थी ससुर दामाद में? कुछ नहीं। तो चेहरे की बत्ती क्यों गुल है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं जब भी खुश होता हूँ तो मेरा चेहरा ऐसा ही होता है। वाओ, तुम दुनिया में पहले आदमी हो जिसका चेहरा खुशी से ऐसा होता है। मालूम है मैं जब खुश होती हूँ तो क्या करती हूँ? हाँ ओके। आप जरा आइए, मेरे पिताजी आपको बुला रहे हैं। जी एक्सक्यूज मी।
हनी, तो आप सब लोग यहाँ हो? कोई सरप्राइज सीक्रेट पकड़ाया क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए नहीं, बात बड़ों की हो रही है रानी साहब। ये तो बच्चों से भी गए गुजरे हैं पापा, कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ रही है आपकी वजह से। वैसे तो आपका जाती मामला है, हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन रहा नहीं गया, हम सबकी समझ के बाहर है ये सब। आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है शादी का? बच्चों के सामने लोग ताने दे रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करें हम? कुछ लिहाज नहीं आपको कि वो बड़े होने, उनके सामने आप यही मिसाल रखेंगे? देखिए ना पापा, मुझे मुंडवा ली है, बाल काले करवा लिए हैं, बस नाक पे एक लाल बॉल लगा लीजिए, पूरे जोकर लगेंगे। रूपाली एक मिनट मेरी बात सुनो। तो और क्या पापा, जरा ख्याल नहीं किया उन्होंने मेरी बेटी का, पता नहीं कहां से टपक पड़ी हो चुड़ैल, दो चार इशारे किए होंगे और ये बस लट्टू उसके पीछे। अरे 60 साल के बूढ़े में उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है, उसकी नजर तो आपकी जायदाद पर है, लेकिन इनकी आंखों पे तो गुलाबी चश्मा लगा है, दिखेगा कैसे? मैं मेरी बेटी का हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। इस उम्र में तो लोग सत्संग जाते हैं, हनीमून नहीं, इतना चिचोरापन अच्छा नहीं। आप हमें ऐसे बेइज्जत ना करें तो बेहतर है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? उसका पति होने से पहले तुम इस बाप के बेटे थे, ऐसा होने कैसे दिया तुमने? अरे मैं तो बच्चों के साथ था, मुझे क्या पता ये सब ऐसा नाटक करेगी। लेकिन मुझे पता है कि तेरी बीवी के मन में क्या डर उबल रहा है। बापू का नया रिश्ता है, इसका मतलब इन सब का एक और हिस्सा, बस इतना ही गलत चल रहा है उसके दिमाग में। उस डर को मारो गोली, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लिख के देने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन बापू की खुशियों के साथ कोई खिलवाड़ करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? गौरव प्लीज, मेरी वजह से आपस में जहर क्यों? हमें भी ये बात चुभती है, लेकिन उनकी नजरों में भी सच्चाई है। वो मां है एक बेटी की और मैं उसका दादा, एक ही धागे की माला, अलग कैसे निकलूं मैं? और अपनों की सुख शांति पे पानी डाल के मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? धुंधला सा बहाव था, बह गया, लेकिन मेरी ऐसी हरकत से कहां क्या शीशे टूटेंगे, ये मुझे सोचना चाहिए था। ये नहीं होगा। नहीं बापू, अब ये फैसला बदलेगा नहीं, कितनी मुश्किल से ये रिश्ता वापस जुड़ गया है, उसे तोड़िए मत। तू जो चाहे कह ले, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, और इस विषय में आज के बाद इस घर में कोई बात नहीं होगी। बापू, बापू, राणे, राणे क्या कर रहा है? सो रहा है कामचोर। मैंने जो सुना वो सच है क्या? कि तेरी पुरानी लाइन टूट गई, अब वो अधिकार मुझे दे दे, मैं उसका दूल्हा बनूंगा। मैंने जब पहली बार उसे देखा था ना, मुझे उससे इश्क हो गया था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि तू दोस्त है ना। अच्छा हुआ तू पीछे हट गया, तेरे से संभलती भी नहीं वो। अरे मछली जाल से गई तो क्या हुआ, है तो अपने ही तालाब में, जब कभी देखने का मन हो तो चले आना मेरे घर, और फाटक से झांक कर वापस चले जाना, हाँ बस उतना ही। हाँ। ये तो बकवास बंद कर। अरे तू समझा नहीं, मैं समझाता हूं। मैं तेरे बेटे को क्या मानता हूं, दोस्त का बेटा, मतलब अपना बेटा। वैसे ही तू मेरी बीवी को क्या समझेगा, दोस्त की बीवी, मतलब अपनी बहन। देख तेरा बड़ा लड़का और बहू मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, कतार में तू पहले था इसलिए तेरी इजाजत लेने चला आया। तुझे जो करना है कर। शुक्रिया, थैंक यू। साले साहब, पहले बच्चे का पहला मुंडन तेरी गोद में ही करूंगा, अन्नू कॉलेज जाएगी, मेरा भी ऑफिस है, बच्चे को हम तेरे यहीं छोड़ कर जाएंगे, बिन माँ के बच्चे को पालना तुझे खूब आता है। अरे जान निकल यहां से, एक पल भी रुकना, जान ले लूंगा मैं। मैं तेरी व्यथा समझ सकता हूं, मैं तुझे दोष नहीं दे रहा, लेकिन शादी का पहला कार्ड भगवान को नहीं, मैं तुझे चढ़ाने आऊंगा। ओके बाय। मैं जा रही हूँ। ऐसे अचानक क्यों, पहले बताया नहीं? दरअसल सोचा ऐसे ही चली जाओ,
किसी को कुछ बताए बगैर। फिर सोचा बाकी जो भी हो मुझे गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन बापू आप टीचर को धोखा कैसे दे सकते हैं, वो भी दो बार। बेटी मुझे समझने सच बोलो तुमसे, अब तो डर लगता है तुमसे भी। कहीं बापू की तरह तुमने भी प्यार को मजाक समझा तो मुझे दूसरी टीचर बनके नहीं जीना है। I'm sorry गौरव, I can't। अरे ये न्योता अपने लिए है या परदेशियों के लिए है? हिंदी काफी है क्यों साले साहब? हिंदी काफी है ना? अरे आपने तो बहुत शेरो शायरी लिखी है, एक ऐसा न्योता लिख दे पेन, पॉकेट फट जाए, कागज पर तो छपे ही छपे दिल पे भी छप जाए और लोग धनाधन चांदी में आ जाए। अरे कहां गया? देखा देखा मैंने क्या कहा था, देख कैसे रूठा हुआ है। देख मैं तो खुद चाहता था कि तू मेरे साथ चले लड़की देखने, लेकिन ये और इसकी बीवी बड़बड़ाने लगे, पता नहीं ये चिराग है कि सुराग है। आज सुबह ही मिलने गया था उससे उसके घर, अन्नू के। अन्नू ने बहुत कहा कि ये देखने दिखाने के रिवाज की क्या जरूरत है, बस अब जल्दी से शादी हो जाए, बस इतना काफी है। अरे पीली साड़ी में क्या पटाखा लग रही थी। हाय हाय। वो इसलिए कि लोग चारों तरफ से बातें उछाल रहे हैं, वो राजी नहीं होगी तो क्या करेगी बेचारी। इसलिए वो बोली कि माथुर हो या और कोई भी, शादी तो होनी ही चाहिए बस। लिख लिया? अरे जल्दी करना इसके पहले कि उसका मन बदले, मैं सब निपटाना चाहता हूँ इसीलिए घोड़े पे सवार हूँ। हमने तो उसकी शादी के लिए ये देख साड़ियां भी खरीद ली, ये देख ये इसकी पसंद है, और ये देख ये उसकी बीवी की पसंद है। लेकिन जब तक तू अपनी पसंद नहीं बताएगा मैं अन्नू को साड़ी कैसे दूंगा? बताना तेरे को कौन सी अच्छी लगी, ये बताना बताना कौन सी जचेगी। मुझसे पूछे तो ये उस पर खूब फबेगी, सांवला रंग भरी पूरी ऊंची कदकाठी, इस रेशमी साड़ी में परी लगेगी परी। अरे हट ना। मैंने पहाड़ पर नदी किनारे एक हनीमून स्वीट बुक किया है, एक हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए, और एक दिन भी हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकलने वाले, पहाड़ और नदी का तेल लगाने। बोल कौन सी वाली रखूं? अच्छा चल आंख बंद करके एक पे हाथ रख दे। अरे छू के तो देख, ये देख ये छू के देख। अरे हट, अरे ले जाए कचरा, निकल जाए यहां से, तेरी औकात नहीं है समझा। उसको अनु बुलाने का हक सिर्फ मुझे। चल निकल यहां से मेरे घर से। कैसी बात कर रहे हैं आप शादी से पीछे हट गए इसलिए शादी की तैयारी की, अब आप कौन से हक की बात कर रहे हैं? देखो तू तेरी बीवी तेरे परिवार वाले सब बात नहीं मान, साले मेरे दिल की बात नहीं समझते, लेकिन मैं शादी करके रहूंगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। राणे तू बदल गया, तू होश में तो है? अब चाहे जो भी हो आप अपना फैसला तो नहीं बदलोगे? कभी नहीं। तू शिखा को बुला ले, उसको बुला ले, इतना सा मुंह करके गई थी बेचारी, मैं नहीं चाहता कि तू उसे खो दे, बुला ले उसे। मैं यही हूं बापू, कहीं नहीं गई। माफ करना दोस्त, तुम्हारे मुंह से हां निकलवाने के लिए हम सब ने मिलकर यह नाटक रचा था, कथा पटकथा संवाद गौरव, नन्ही नटखट निर्देशिका ये, और मैं और चिराग कठपुतलिया। जरा देखिए ना प्लीज। आ
अकल क्या घोड़े को चरा कर आया है तू? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी अनु किसी और के नाम का सिंदूर लगाएगी? वो सिंदूर तो दूर की बात, हमने तो उसे भनक तक नहीं लगने दी तेरे ना कहने की। कुछ कर गुजरती तो। और फिर यार, तेरी लाइन काट के मैं अपनी लाइन जोड़ूंगा क्या? लानत है दोस्ती पर। क्या बोलता है? तो नेक काम में देरी क्यों? परसों ये छुटकी जा रही है, उसके पहले शादी निपटा देते हैं क्यों? मुझे माफ करना बाबू, मैं रूपाली की बातों में आ गया, लेकिन गौरव को देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। अच्छा, तो तमाशा बना के रखा है बाप बेटों ने मिलके मेरा। तुम घर जाओ, मैं वहां आके बात करूंगा। घर ही जा रही हूं, लेकिन मम्मी के और बच्चों को साथ में लेके। यहां सब सही हो रहा है, तुम बीच में मत बोलो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? मैं आऊंगी ना ससुर जी की शादी में सासू माँ को चूड़ियां पहनाने। रूपाली, सबके सब जाहिल कवार है। निकल यहां से, निकल। ऐसा क्यों किया तुमने? वही किया है जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। या तो उसकी अकल ठिकाने आएगी या मुझे ठिकाने लगाएगी। स्माइल प्लीज। गवाह कौन कौन है? हम लोग। आप यहां साइन कीजिए। बेटे की शादी में बाप समधी बनकर आता है, और बाप की शादी में बेटे क्या बनेंगे? तेरा और शिखा का पहले हो जाता तो। नहीं मेरे बाप, पहले आप। लोग कतार में खड़े हो जाओ, हैप्पी फोटो। चलिए चलिए। जल्दी, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। बीवी की तलाश में आधी उम्र छूट गई मेरी, तुझे फ्लाइट की पड़ी है। लेकिन खैर, अब बाकी की जिंदगी मजेदार गुजरेगी। मतलब? मुझे भी लड़की मिल गई। लड़की ढूंढने जाता था, मिल जाती थी। वो थाने में साथ में इतना वक्त गुजारा कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। ये है मेरा पटाखा। कम बापू। सॉरी डैडी, थोड़ी देर हो गई। हम टीचर और बापू की शादी करा के आ रहे हैं। बापू कम। बापू ये है मेरी दादी, और डैडी ये है गौरव के बापू। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों। इसकी मम्मी को पता चलेगा तो हैरान रह जाएगी, नहीं अनुराधा? आप यहाँ इंतजार कर रहे हो, शिखा ने हमें कार में बताया तब पता चला। हम दोनों पहले दिल्ली जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट वहीं से है। अब हमें हमारे बच्चों के बारे में कुछ तय करना चाहिए। हाँ हाँ, सबसे जरूरी है इनके बारे में कुछ तय करना। लेकिन उससे पहले मुझे गौरव से कुछ बात करनी। गौरव प्लीज। So that was your decision. मेरी बेटी से ज्यादा तुम्हें अपने बापू से प्यार है ना? मुझे प्यार को तोलना नहीं आता कपूर साहब, बस इतना है कि बापू की खुशियों को खोकर मुझे अपने लिए कुछ नहीं पाना है। तुमने जो खोया है उसके तीखेपन का एहसास तुम्हें अभी नहीं, जिंदगी भर होता रहेगा। मैं कुछ खोने वाला नहीं, खोएंगे आप। वो देखा आपने? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन अमेरिका जाके जब उसे सब सच्चाई का पता चलेगा तब उसके चेहरे की हंसी आपको दिखाई नहीं देगी। वो जान जाएगी कि सीने में कितना दर्द छुपाकर बिना उसे कुछ बताए मैंने उसे यहां से जाने दिया। तब आपका रचाया ये सारा खेल उल्टा हो जाएगा।
वो सीधी मेरे पास आ जाएगी। तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसा करने की इजाजत दूंगा? उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यार सच्चा हो तो प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने है, मेरे बापू और टीचर। जो टीचर ने किया मैं वही करूंगा। जिंदगी भर अपनी शिका का इंतजार। मेरा प्यार, मेरा इंतजार अगर सच्चा होगा तो आप उसे सात समुंदर पार ले जाकर चाहे कितने भी तालों में बंद कर ले, वो आएगी जरूर। तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती है, लेकिन उसे अपने डैडी से कितना प्यार है इस बात का एहसास है तुम्हें? अंदाजा लगाना फिजूल बात है। अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए, सो मुझे है। पूरी जिंदगी पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो बताइए क्या तय किया आपने? मुझे बहुत अहम था इस बात का कि लगभग पूरी दुनिया है मेरे पास, लेकिन आज तुमसे बड़ी तेज जलन हो रही है मुझे, क्योंकि ऐसा बेटा नहीं है मेरे पास। पल भर की पहचान वाली लड़की के लिए अगर तुमने जन्म भर के बाप का दिल तोड़ दिया होता तो मुझे बड़ा तरस आता तुम पे। तुमने मेरे प्यार के मायनों को ही उलट पुलट कर दिया है। क्या कह रहे थे तुम, शिखा का जिंदगी भर इंतजार करोगे? मैं तुम्हें एक पल भी इंतजार नहीं करने दूंगा। ये तेरी है, ले जाए।